अलीराजपुर जिले की बोरी पुलिस ने लूट और डकैती करने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से अवैध फायर आर्म्स धारदार हथियार मिले। आपको बता दें कि अलीराजपुर पुलिस अधीक्षक राजेश व्यास ने बताया कि बोरी में 14 नवंबर को गीगला खेड़ी गांव के राजपाल सिंह ग्राम सियाली स्थित गोडाउन से पहले दो बाइक पर सवार 4 लोगों ने 67,774 रुपए और एक टैबलेट बैग छीन लिया था। फरियादी क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण लिमिटेड कंपनी माइक्रो फाइनेंस कंपनी में कलेक्शन एजेंट का काम करता है। इस मामले में पुलिस अपराध दर्ज कर अज्ञात आरोपियों की तलाश कर रही थी। तभी मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि बेहड़िया में रेलवे के ब्रिज के पास 5-6 लड़के राहगीरों के साथ डकैती करने की योजना बना रहे हैं, जो हथियारबंद है। सूचना मिलने पर पुलिस ने अलग अलग टीमों के साथ घेराबंदी कर हथियारबंद 6 व्यक्तियों को पकड़ा, जिनमें से 2 के पास से 12 बोर देसी कट्टे और 1 से लोहे का धारदार फालिया जब्त किया गया। कल दिनांक 14/11/2024 को फरियादी है राजपाल पिता कृपाल सिंह, ये थाना अवंतीपुरा बड़ोदिया शाजापुर का रहने वाला है, जो कि एक क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण लिमिटेड एक माइक्रो फाइनेंशियल कंपनी है, उसमें कार्यरत है वो, और वो उसका काम जो है वो कलेक्शन करने का है। तो वो राणापुर से बोरी तरफ आ रहा था, तो ग्राम है ग्राम सियाली, तो वहाँ पर 2 मोटरसाइकिल पर 4 व्यक्ति उसको रोका उन्होंने, और रोक कर फिर उसके पास जो पैसे थे करीब 67,000 रुपये वो और एक उसका एक टैबलेट का एक बैग था उसको उन्होंने लूट के ले गए। वो जो व्यक्ति था उसने थाने पर आकर रिपोर्ट दर्ज करवाई, और रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद में पुलिस द्वारा उसमें लूट की धाराओं का अपराध कायम किया। चूँकि ये मामला बहुत ही संगीन था, हमने तुरंत SDOP जोबट और एडिशनल SP अलीराजपुर इनको निर्देशित किया कि ये जो आरोपी है उनकी पतारसी करे और जो पूरा इलाका है उसकी नाकेबंदी करवाए, और उसके बाद में हमारे द्वारा टीमें बनाई गई और जो आसपास का क्षेत्र था उसमें घेराबंदी की गई। तो वहीं पर हमें मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ये जो आरोपी है और वो कहीं पर बैठ के एक अन्य वारदात करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उस जो मुखबिर ने जानकारी दी थी उसके आधार पर हमने 3 टीमें बनाकर अलग अलग क्षेत्रों से जो हमारे थाना प्रभारी और जो थे बल था उसको उन्होंने पूरे क्षेत्र को रेकी करके वहाँ पर घेराबंदी की, और 6 व्यक्तियों को उस मौके पर हमने पकड़ा। उन जो पकड़ा है उनके पास से हमें 2 12 बोर के देशी कट्टे, उसमें 2 कारतूस थे और 1 फलिया, ये हमें मिला। मोटरसाइकिल भी 2 मिली है। इन जब सबसे पूछा गया है जो आरोपी थे उनमें कुछ के रिकॉर्ड भी है, जब इनसे सघनता से पूछताछ की तो इन्होंने बताया कि इनका एक प्लानिंग थी कि उस रास्ते पर जो बाजार करके जो लोग व्यापारी आ रहे हैं उनको लूटने की, और उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि जो पिछले हफ्ते एक लूट हुई थी जिसमें 6,50,000 रुपये एक व्यापारी से लूटे थे उसमें भी यही लोग शामिल थे। जब हालांकि उस वारदात को हमने पहले ही खुलासा कर चुके हैं और उसमें 2 व्यक्ति को हमने गिरफ्तार किया है, पर उस पूरी वारदात का जो मास्टरमाइंड है जो महेश नाम का व्यक्ति है उसको पुलिस ने कल रंगे हाथ इस टीम के ग्रुप लीडर जो टीम लीडर है उसके उसमें पकड़ा, जो पूरे वारदात को अन्य वारदातों को भी इसने पूरा अंजाम दिया। ये बाहर के लोगों को बुलाता था और यहाँ पर अपने घर पर रुकवाता था और बाद में फिर कोई भी वारदात करने के लिए बोलता था। इसको पूरे इलाके के बारे में जानकारी थी। महेश जो है बोरी का रहने वाला है और बोरी में जो भी व्यापारी आता है या जो वर्ड में कोई व्यापारी आता है तो उसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखता है। तो महेश को भी गिरफ्तार किया है। महेश के अलावा अजय पिता मान सिंह, अज्जू पिता भूर सिंह, पिंटू पिता नवल सिंह, ललित पिता कंजू और भारत पिता कमलेश डामोर और महेश पिता अजय भूरिया, इन सभी 6 लोगों को डकैती की तैयारी करने के अपराध में पुलिस द्वारा मौके से गिरफ्तार किया और उनके पास से जो असलाह और जो अन्य चीज़ें थी वो जब्त की। पुलिस द्वारा जो अन्य भी इस संबंध में जो अभी हाल ही में कुछ वारदातें हुई है उनके बारे में पूछताछ की जाएगी। सर इसमें कोई नाबालिग तो नहीं है? सर इसमें कोई नाबालिग नहीं है, उन्होंने जो उम्र बताई है वो सभी 19, 20 और 23
साल के। और सभी आदतन है या फिर पहले से केस है इन पे? क्या ऐसे नहीं, मैंने बताया जैसे इनमें से कुछ के ऊपर केस है, लेकिन कुछ ऐसे भी है जो पहली बार है, पर इनका रिकॉर्ड अभी और भी देखा जा रहा है। अन्य थाने झाबुआ में भी हमने संपर्क में है, धार में भी संपर्क में है, वहाँ पर भी कुछ वारदातें हुई है, तो हो सकता है कि ये लोग वहाँ पर भी अन्य वारदातों में जुड़े हों। मेन सर महेश पिता अजय है ना? महेश पिता अजय, जैसा मैंने बताया।